तो जानिए, आपने पेरिस ओलंपिक से संबंधित तमाम जो खबरें हैं, और उसमें ताज़ा खबर यही थी कि जो टीम इंडिया है हॉकी टीम की अगर बात की जाए तो सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है ग्रेट ब्रिटेन को हराकर। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, 19 जून 2024 का दिन तमिलनाडु के लिए ही नहीं समूचे देश के लिए दिल दहला देने वाला रहा, जब तमिलनाडु के कलकुरिची में जहरीली शराब पीने से भयावह त्रासदी हुई। जहरीली शराब पीने से 200 से अधिक लोगों की हालत बिगड़ गई। मामले में 67 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में 38 दलित, 15 आदिवासी और 15 अति पिछड़ा समाज के लोग बताए जाते हैं। इससे पहले 2023 में राज्य के ही विल्लुपुरम और चेंगलपट्टू जिलों में जहरीली शराब से 22 लोगों की मौत हो गई थी। कलकुरिची शराब त्रासदी में इलाज के बाद जो लोग बच गए हैं उनमें से कई की आंखों की रोशनी चली गई है। इतनी बड़ी त्रासदी, लेकिन अब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार जो है उसकी आंखें अभी भी खुली हुई नजर नहीं आ रही हैं। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जहरीली शराब का कहर। जहरीली शराब ने छीना 67 परिवारों का शशमोच चिराग। कल्लाकुरिची के दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों के घर पसरा मातम। मृतकों में 38 दलित, 15 आदिवासी और 15 अति पिछड़ा समाज के लोग। जो बच गए उनकी भी आंख की रोशनी छीन गई। बीते 19 जून को जहरीली शराब के कहर से तमिलनाडु का कल्लाकुरिची जिला आज भी कराह रहा है। माएं बेसहारा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, दुल्हनों का सुहाग उजड़ गया। शराब ने हंसते खेलते परिवारों को तबाह कर दिया। कच्ची शराब से 67 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसके महीने बाद डीडी न्यूज ग्राउंड पर पहुंचा और लोगों के दर्द और पूरे मामले की हकीकत समझने की कोशिश की। 20 जून को तमिलनाडु का कल्लाकुरिची दुनिया के नक्शे पर आ गया। वजह थी 67 लोगों की शराब से मौत, और शराब से मौत होने का कारण था यहां पर प्रशासन का अनदेखा रवैया। आखिर शराब कांड की हकीकत क्या है और जनता इसको लेकर क्या कहती है, आइए चलते हैं कल्लाकुरिची में लोगों से ये जानने कि उनका गम आज भी कितना ताजा है और अपनों को वो किस तरीके से याद कर रहे हैं। डीडी न्यूज की टीम कल्लाकुरिची के करुणावरम गांव पहुंची, जिसने सबसे ज्यादा शराब का दंश झेला है। गांव के 25 लोग अवैध शराब की भेंट चढ़ गए। घर का सहारा ही चला गया तो छत की चिंता कौन करे। तिरपाल को जोड़ घर की शक्ल बनी है। घर की मालकिन बुजुर्ग महिला का बेटा भी उस शराब कांड की भेंट चढ़ गया। उसकी आंखें रो रो कर पथरा गई है। चंद बर्तन और फोल्डिंग के सहारे जीवन के टूटे डोर को फिर से जोड़ने की जद्दोजहद में ये बुढ़ापा भी गुजर जाएगा। जवान बेटों को अपने जीते जी खोने के दुख को कोई सहारा, सांत्वना नहीं दे सकता। गांव के अधिकांश घरों की यही कहानी है। हर घर में बूढ़े माँ बाप के पास छोटे बच्चों की भविष्य की चिंता है। मेरे बेटे ने मंगलवार को शराब पी, लेकिन उसने घर में नहीं बताया। बुधवार को उसकी तबीयत खराब हुई, फिर उसकी मौत हो गई। हमारा लड़का चला गया, मैं अनाथ हो गई। मेरे पति की तबीयत बुधवार को खराब हुई, उनको उल्टी हुई, फिर हम उनको अस्पताल लेकर गए जहां उनकी मृत्यु हो गई। अब मैं मजदूरी करके ही घर चलाऊंगी। मेरे पति की तबीयत बुधवार को खराब हो गई थी, उनको लगातार उल्टियां हो रही थी, फिर हम उनको अस्पताल लेकर गए जहां उनकी मृत्यु हो गई। अब मैं मजदूरी करके अपना घर चलाऊंगी। यहां के लोगों की दर्द भरी कहानियां उनकी जुवानी है। ये झोपड़ी अपने आप में बहुत सारी बातें कहते हुए नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर पहले आपको दिखलाना चाहेंगे कि केवल एक फोल्डिंग पड़ा है, फोल्डिंग पे कपड़े पड़े हैं, और सामने जो शराब की भेंट चढ़े था मृतक, उसकी तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। शराब से अपनों को खोने की कहानी बहुत है, लेकिन एक ऐसी लड़की जिसने अपने माँ बाप को खोया है और अब उसके भाई की जिम्मेदारी उस पर आ गई है। कोकिला ने बताया कि पिताजी शराब पीते थे, लेकिन माँ ने दवाई समझकर शराब पी ली और अब हम अनाथ है। पिताजी दो पैकेट लेकर आए थे, जिसमें से एक पैकेट उन्होंने पी लिया, दूसरा रख दिया, जिसको मेरी माँ ने दवा समझकर पी लिया और उनकी भी मृत्यु हो गई। शराब पीड़ितों में कुछ ऐसे लोग भी मिले जो जहरीली शराब के कहर से बच तो गए, लेकिन आंखों की रोशनी ही गवा बैठे।
ऐसे ही शख्स बालू ने अपनी कहानी बताई। फिर बालू शराब पीने के बाद मेरे पेट में दर्द हुआ, फिर चक्कर आ गया, हम अस्पताल गए, लेकिन वहां से वापस आने के बाद से आंखों की रोशनी चली गई। शराब यहां हमेशा मिलती है जो कि आसानी से उपलब्ध थी। ये वो जगह है जहां से अवैध शराब की सप्लाई हुआ करती थी और यहाँ के लोग यहीं से शराब को लेकर जाते थे। हैरानी की बात यह है कि यहाँ से मात्र 400 मीटर की दूरी पर थाना है। इसके अलावा जिला न्यायालय भी लगभग इतनी ही दूरी पर है, महिला थाना भी इतनी ही दूरी पर है, और उसके बावजूद हमने जब यहाँ के ग्रामवासियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये अवैध शराब जो है वो लगातार यहाँ कई सालों से मिलती आई है। कल्लाकुरुची में सबसे ज्यादा कच्ची शराब से जो गांव प्रभावित हुआ वो करुणावरम था। डीडी न्यूज की टीम उस शमशान घाट पर पहुंची। उस रात यहां का मंजर और भी भयावह था। चलती फिरती जिंदगी लाशों में बदल गई थी। शमशान भी मानो चित्कार कर रहा था। एक साथ गांव के युवकों की 24 लाशें धू धू कर जल रही थी। करुणावरम का ये वो अभागा शमशान है जहां पर एक दिन में 24 लाशें जलाई गई और ये इसी गांव के ग्रामीणों की थी। ये एक सूची है मेरे पास, आप देख सकते हैं कि सूची में 58 नाम जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। केवल हम अगर करुणावरम की बात करें तो इस गांव में 25 लोग शराब की भेंट चढ़े थे और 58 मृतकों की सूची है। इसके बाद 9 नाम और बढ़ गए थे। हमारे साथ यहां पर एक शख्स मौजूद हैं, ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं। उस दिन कैसा दृश्य था यहां पर जब लगातार लाशें लाई जा रही थी, गाँव की क्या स्थिति थी? इसी जगह गाँव में शव जलाए गए, 24 बॉडी एक साथ जलाई गई। उस दौरान पूरा गांव यहां पर इकट्ठा था और हर गली में लाशें थी। दारू बहुत दिनों से बिक रही थी, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। गांव की हर गली में बॉडी थी, सरकार ने कोई मदद नहीं की। लोगों को बचाया जा सकता था लेकिन अफवाह उड़ाई गई कि शराब से कुछ नहीं हुआ है। जानकार बताते हैं कि ये कोई हादसा भर नहीं था। दरअसल तमिलनाडु में कच्ची शराब का धंधा सरकारी संरक्षण में फलता फूलता है। इसके पीछे कई सफेद पोश लोग शामिल हैं। सरकार भी गरीब मजलूम लोगों को मुआवजा देकर चुप करा देती है। विपक्षी दल भी इस गणित को बखूबी समझते हैं, जबकि सत्ताधारी डीएमके इसके लिए आम लोगों को ही जिम्मेदार बताकर पल्ला झाड़ लेती है। लास्ट ईयर एट मारकानम एरिया वी लास्ट 22 लाइव्स, दिस ईयर 66 लाइव्स। But still, fake alcohol is being spreaded in all over Tamil Nadu, especially in northern part of Tamil Nadu. DMK leader, the CM of Tamil Nadu, Thiru M.K. Stalin, has announced 10 lakhs for family. This is not because he had known about the suffering of the family and then he had announced a gratia amount. It is not like that. It is because he doesn't want them to protest. He doesn't want the family members to protest. That is why. This is because of the mindset of the people. It is not the government which supports this. The people, whatever little money they have, they want to have drugs. These are things available at a very cheaper rate. So they go for this and the businessmen make use of the weakness of these people. जानकार भी मानते हैं कि तमिलनाडु में कच्ची शराब का विष राजनीतिक संरक्षण में फलता फूलता है। उस संरक्षण में जो दलितों पिछड़ों की आवाज होने का दावा तो करता है, लेकिन उसकी मौत पर राजनीतिक रोटियां सेकने और मुआवजे का मरहम लगाने के अलावा उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए शायद ही कोई सार्थक पहल करता है। निशांत राय, डीडी न्यूज, कल्लाकुरुची, तमिलनाडु।